हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लीगल वॉइस। आज हम शुरू करने वाले हैं इक्विटी लॉ के आगे के चैप्टर्स। लास्ट वीडियो तक हमने कवर किया था इक्विटी लॉ अंडर रोमन, इंग्लिश और इंडियन लीगल सिस्टम। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बात करता है इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन, या बोल सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इक्विटी कोर्ट्स। तो अगर आप अपने टाइटल को देखें इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन और इसको ब्रेक करें तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी भी कोर्ट का एक्सटेंट या पावर किसी पर्टिकुलर इशू को सुनने के लिए और उसको रिजॉल्व करने के लिए। एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो वहां पर कोई एक एरिया होगा। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल एमजी रोड करके एक एरिया है आपकी सिटी पे। अब यहां पे अगर कोई भी क्राइम होगा या किसी भी तरीके का कोई भी हार्म होगा तो आप क्या करोगे, आप इस एरिया के पुलिस स्टेशन पे जाओगे, वहां पे कंप्लेन करोगे। अब ये जो पुलिस स्टेशन है, जब ये पुलिस वाले कोर्ट में इस चीज को पेश करेंगे तो कौन से कोर्ट में पेश करेंगे? कहीं भी जाके कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर कोर्ट में आपको जाने के बाद वहां पर एक लिस्ट मिल जाती है। उस लिस्ट से ये पता चलता है कि किस एरिया के थाने के केसेस को कौन सा कोर्ट रूम जो है वो सुनेगा। उस कोर्ट रूम के पास होती है ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि एक्सटेंट, यानी कि पावर, कि उसके इलाके में जो भी क्राइम कमिट हुए हैं या जो भी इंजुरीज हुई है उनको सुनने की शक्ति। इक्विटेबल का मतलब क्या होता था, हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन, वो बात करेगा कि भाई इक्विटी कोर्ट्स यानी कोर्ट ऑफ चांसरी का ज्यूरिसडिक्शन कहां कहां पर है, कहां कहां पर उसकी एक्सटेंट है, कहां कहां पर उसकी पावर्स है। हमने ये पढ़ा था और हमको ये चीज भी पता है कि अगर कोई भी सिविल इंजुरी होती है तो हम लोग जाते हैं कॉमन लॉ के पास रेमेडी लेने के लिए। आपको कोई सिविल इंजुरी हुई, आप गए कॉमन लॉ के पास रेमेडी लेने के लिए। अब अगर इस कॉमन लॉ के पास वो रेमेडी जो है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर वो रेमेडी जो है वो इनएडिक्वेट है, कम है, जो आप डिजायर कर रहे थे रिजल्ट्स वैसे नहीं है, या जो आपको मिलना चाहिए था एज इन कंपनसेशन वो इनएडिक्वेट है, तब आप जा सकते हो इक्विटी कोर्ट्स के पास। हम डायरेक्टली इक्विटी कोर्ट्स नहीं जा सकते थे, ना ही इक्विटी कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकता था कॉमन लॉ के प्रोसीजर में। वो तभी आ सकता था जब कॉमन लॉ में दी गई हुई जो रेमेडीज है वो इनएडिक्वेट है। तो यहां से हमें बात होती है ज्यूरिसडिक्शन इक्विटी कोर्ट्स की, और इसको बांटा गया है तीन ब्रांचेस में। पहला एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, वेयर कॉमन लॉ डजंट प्रोवाइड और हैव एनी रिलीफ। एक ऐसा इशू आया, एक ऐसी इंजुरी आई, एक ऐसी कंप्लेंट आई किसी की, जिसकी रेमेडी जो है वो कॉमन लॉ में डिसाइडेड ही नहीं है या कॉमन लॉ उसको प्रोवाइड कर ही नहीं सकता, तब वहां पे इक्विटी कोर्ट्स एंटर कर जाएंगे। और जब वो एंटर करेंगे तो उनकी इस ज्यूरिसडिक्शन को बोला जाएगा एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। मतलब अब कॉमन लॉ जो है उसके पास किसी भी तरीके का रेमेडी नहीं है, किसी भी तरीके का कंपनसेशन देने का राइट्स नहीं है या प्रोसीजर एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वहां पर इक्विटी कोर्ट्स आएंगे और उनकी ज्यूरिसडिक्शन को बोलेंगे एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। दूसरा आता है कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन। कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन यानी क्या हो गया, व्हेन कॉमन लॉ हैज रिलीफ बट दैट रिलीफ इज नॉट एडिक्वेट। कॉमन लॉ के पास रिलीफ तो है, जो इशू या कंप्लेंट आप लेकर आए हो उसको लेके कॉमन लॉ के पास कुछ ना कुछ रिलीफ है, पर वो रिलीफ एडिक्वेट नहीं है। जितना डैमेज आपको हुआ है, जितना कंपनसेशन आप चाहते हो, जिस तरीके की इंजुरी आपको हुई है, जिस तरीके का रिलीफ आप चाहते हो, वो रिलीफ कॉमन लॉ नहीं दिलवा पा रहा, उसका थोड़ा बहुत ही दिला पा रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे इनएडिक्वेट। और जहां पर कॉमन लॉ के पास रिलीफ है बट वो रिलीफ एडिक्वेट नहीं है, तब इक्विटी कोर्ट्स अपना कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई कर सकता है और उस मैटर में एंट्री कर सकता है और डिसीजन सुना सकता है। तीसरा है ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पे एविडेंसेस की जरूरत होती है कुछ चीजों को साबित करने के लिए। तो आप एविडेंस कैसे करवाते हो, हाउ यू कॉल अप द एविडेंस? आप थोड़ी सामने वाले को बोलोगे भैया एविडेंस चाहिए लेकर आ जाओ, वो आपकी बात क्यों सुनेगा?
यू सेंड सम समन्स, कोर्ट क्या करता है, कोर्ट समन भेजता है, वो बुलाता है समन देके कि भैया ये जो एविडेंस आपके पास है इस पर्टिकुलर इश्यू या केस से रिलेटेड उसको आप प्रेजेंट करो, उसको आप लेकर आओ। अब ये वाला जो प्रोसीजरल था ये कॉमन लॉ में कहीं कहीं दूर दूर तक नहीं था। कॉमन लॉ ने ऐसा कुछ भी डिजाइन नहीं किया था जिससे कि वो समन भेज के एविडेंसेस को कॉल कर सके। ये पावर जो थी सिर्फ इक्विटी कोर्ट्स के पास थी। इक्विटी कोर्ट्स कुछ ऐसे केसेस में जहां पे एविडेंस की जरूरत होती थी वहां पे समन भेज के सामने वाले से जिसके पास वो एविडेंसेस है या विटनेस को कॉल अप कर सकता था। तो ये थी उसकी तीसरी ज्यूरिसडिक्शन, ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन। तो हमने क्या देखा, इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन जो आपका टॉपिक है उसको पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि भैया जो सिविल इंजुरी अगर आपको सबसे पहले हुई तो आप जाओगे कॉमन लॉ के पास। कॉमन लॉ कोर्ट के पास अगर नहीं है रिलीफ या एडिक्वेट रिलीफ नहीं है तो ही आप इक्विटी कोर्ट्स में जा सकते हो। इक्विटी कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन को तीन पार्ट्स में बांट दिया गया। एक्सक्लूसिव, जहां पे कॉमन लॉ के पास कुछ नहीं है, सिर्फ इक्विटी वाले काम करेंगे। दूसरा कॉन्करेंट, कॉमन लॉ के पास रिलीफ है पर वो एडिक्वेट नहीं है। और तीसरा ऑक्सिलरी, जहां पे एविडेंसेस की जरूरत है, समन करना है तो कॉमन लॉ के पास कोई प्रोसीजर नहीं था, ये काम इक्विटी को करना है। अब हम देखते हैं इन तीनों को डिटेल में, एक्सक्लूसिव, कॉन्करेंट और ऑक्सिलरी को। तो ज्यूरिसडिक्शन में सबसे पहला जो ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं वो बात करेंगे एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन के। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन यानी क्या, कुछ कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते थे जहां पे जो प्लेंटिफ की जो राइट रहती थी ना वो ट्रूली डिपेंड करती थी ऑन इक्विटेबल प्रिंसिपल्स। प्लेंटिफ को जिस तरीके का रिलीफ चाहिए रहता था, वो जिस तरीके का उसको रिलीफ चाहिए रहता था अगेंस्ट डिफेंडेंट, वो है ना कॉमन लॉ में कहीं भी स्टेब्लिश नहीं था, ना कॉमन लॉ ने उससे रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर्स बनाए थे। देखो इक्विटी लॉ पढ़ते समय ना एक चीज ध्यान रखना, आप पास्ट के बारे में पढ़ रहे हो। इक्विटी लॉ को आज के लॉ से कंपेयर करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ गया, अब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते। इक्विटी पहले की बात करता था, ये सिर्फ बात करता था ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लॉ ने अगर किसी को किसी तरीके की सजा सुना दी बट नेचुरली या मॉरली आपको अंतरात्मा से अगर ऐसी आवाज आ रही है कि उसके साथ वो चीज सही नहीं हुआ, तो वहां पे लगते थे इक्विटी लॉस। ये आज से काफी सालों पहले, 200-300 सालों पहले की बात है, ठीक है। तो ऐसे केसेस जहां पे प्लेंटिफ की जो राइट थी या जो उसको रिलीफ चाहिए था वो एक्सक्लूसिवली डिपेंड करता था इक्विटी प्रिंसिपल्स पे या इक्विटी कोर्ट्स पे। अब ऐसे कौन से केसेस होते थे, तो यूजली एक एग्जांपल के तौर पे बताओ तो दो टाइप के केसेस। कोई ऐसा केस जो रिलेटेड है विथ ट्रस्टी, ट्रस्टी से यानी कि एक ट्रस्ट बनी, ठीक है। हमको पता है ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट को बनाने वाला कहलाया जाता है ऑथर ऑफ ट्रस्ट। जिसके ऊपर उस ट्रस्ट की लायबिलिटी दी जाती है वो होता है ट्रस्टी, और जिसके लिए ये ट्रस्ट बनाई गई है किसको बेनिफिट होगा वो कहलाए जाते हैं बेनिफिशियरी। तो भाई एक ट्रस्ट बनी, ऑथर ऑफ ट्रस्ट ने ट्रस्ट को क्रिएट किया और एक बंदा था सी, उसको इसका ट्रस्टी बना दिया। सी को क्या करना था, ट्रस्ट को मेंटेन करना था, उससे जो भी पैसे आएंगे या उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो बेनिफिशियरीज के ऊपर खर्चा करना था। लेकिन सी ने ये करा कि उधर से आया हुआ जो भी प्रॉफिट या पैसा था वो खुद रख लिया, अपने पास रख लिया। तो भाई मॉरली तो ये बात गलत है, लीगली भी ये बात गलत है। अगर आपके ऊपर कोई ट्रस्ट को डेवलप करा गया है, मैंने आपके ऊपर भरोसा करके कोई चीज दी है और आपने अगर उस भरोसे को तोड़ दिया है तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं कॉमन लॉ के पास जाऊं, क्योंकि उस समय तो वही प्रिवेल करते थे। तो मैं कॉमन लॉ के पास गया, लेकिन कॉमन लॉ में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं था। कॉमन लॉ किताब के अनुसार चलता था, कॉमन लॉ रूल्स के अकॉर्डिंग चलता था जो बन चुके हैं। अगर मेरी प्रॉब्लम कॉमन लॉ की दी गए रूल्स की लिस्ट में आ रही है तो मुझे रिलीफ मिलेगा, नहीं आ रही है तो मैं जानू, मेरा काम जाने। पर वहां पे फिर एंट्री होती थी इक्विटी कोर्ट्स की। तो ऐसे केसेस जो ट्रस्ट से रिलेटेड है, जहां पे ट्रस्टी धोखाधड़ी कर रहा है, बेनिफिशियरी को उसके हक की चीजें नहीं मिल रही, वो सारे केसेस को एंटरटेन करता था इक्विटी कोर्ट्स अंडर इट्स एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। यानी कि जब इक्विटी कोर्ट से पूछा जाए भाई तुम किस हक से इसको एंटरटेन कर रहे हो ये केस को, तो वो बोल सकता था मेरे पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। मेरे पास जो तीन ज्यूरिसडिक्शन है उसमें से सबसे पहली है एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, जिसके बेसिस पे मैं ये केसेस को हैंडल कर सकता हूं।
ट्रस्टी के अलावा केसेस आते थे राइट ऑफ मैरिड वुमन के. नाउ व्हाट इज दिस राइट ऑफ मैरिड वुमन? एक्चुअली उस समय क्या हुआ करता था, ये राइट ऑफ मैरिड वुमन को अपन ऐसा लिख रहे हैं ROMW. उस समय क्या होता था, जब किसी लड़की की शादी होती थी तो वो अपने साथ आफ्टर मैरिज शादी के बाद कुछ प्रॉपर्टी लेकर आती थी, और ये जो प्रॉपर्टी वो लेकर आती थी ये उसके हस्बैंड की हो जाती थी. तो धीरे धीरे क्या होने लगा, हस्बैंड्स अपनी वाइफ की प्रॉपर्टी भी रख लेते, और उसके बाद एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद या तो वो उस औरत को छोड़ देते या वो कहीं ना कहीं एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो जाते. अब इससे क्या हुआ, ना तो उस औरत को उसके मैरिटल राइट्स मिले और उसकी प्रॉपर्टी भी चले गई. अब अगर ये चीज लेके वो कॉमन लॉ कोर्ट जाती तो कॉमन लॉ कोर्ट के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं, उनके पास कुछ तरीका नहीं कि भैया हम इसको कैसे सॉल्व करें करके. तो यहां पे इक्विटी कोर्ट्स एंटर करते हैं अपनी एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन पे, और ऐसा डिसीजन दिया गया कि भैया जो हस्बैंड है ये उसकी ड्यूटी है टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन. अगर वो ये काम करता है तभी वो वाइफ की प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल होगा, और एल्स वो वाइफ की प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल नहीं होगा. तो ये था एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इक्विटी कोर्ट्स. अब चलते हैं नेक्स्ट पे, कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इक्विटी कोर्ट्स. दूसरा ज्यूरिसडिक्शन जो है हमारा वो है कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन. अब एक कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, कॉन्करेंट को आप एक नॉर्मल सेंस में पढ़ोगे तो आपको एक, आपने ये भी पढ़ा होगा ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो आप जान जाओगे कि इसमें दोनों का पार्टिसिपेंट है, कॉमन लॉ कोर्ट्स का भी है और कोर्ट ऑफ इक्विटी का भी है. तो यहां पे क्या होता है, दोनों आपके कॉमन लॉ कोर्ट्स, मैंने CLC को लिखा है एज इन शॉर्ट फॉर्म, एंड कोर्ट ऑफ इक्विटी, ये दोनों के पास पावर है किसी भी इश्यू, किसी भी कंप्लेंट को सुनने की और रिलीफ प्रोवाइड करने की. बट ये जो दोनों के प्रोसीजर्स है ना, ये बड़े अलग अलग है. कॉमन लॉ कोर्ट जो है हमारे, वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बात करते हैं, भैया ये चीजें लिखी हुई है, अगर आपकी इंजुरी इसमें आती है तो हम आपको रिलीफ दे देंगे. वहीं कोर्ट ऑफ इक्विटी का जो प्रोसीजर है वो पूरा डिफरेंट है, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर काम करता है, गुड कॉन्साइंस के ऊपर काम करता है, मोरालिटी के ऊपर काम करता है, अंतरात्मा की आवाज के बेसिस पे काम करता है. तो क्या होता था, जो लोग थे उस टाइम पे वो ज्यादा टिल्ट होने लगे टूवर्ड्स कोर्ट ऑफ इक्विटी. जाहिर सी बात है भैया, यहां पर इनको एक एडिशनल रेमेडी मिल जाती थी. अब मेरे साथ कोई ऐसी इंजुरी हो गई और केस हो गया जो कॉमन लॉ कोर्ट में है ही नहीं, तो ऑब्वियसली मेरे को रिलीफ नहीं मिलेगा, मैं तो भागूंगा कोर्ट ऑफ इक्विटी की तरफ, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो उस पर्टिकुलर केस को एक एक्सक्लूसिव केस समझेंगे और उसके बेसिस पर डिसीजन देंगे, ना कि पन्ने पलटेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे और चेक करेंगे कि मेरा केस उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, और मुझे रिलीफ मिले या ना मिले इसकी भी कोई गारंटी नहीं. तो लोग जो थे वो ज्यादा टिल्ट होने लग गए थे टूवर्ड्स कोर्ट ऑफ इक्विटी. अब ऐसे कौन से केसेस रहते थे जहां पे कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई करके इक्विटी कोर्ट्स अपना डिसीजन दिया करते थे. एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे केसेस जहां पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है. एक पर्सन है ए फॉर एग्जाम्पल, दूसरा पर्सन है बी, इन दोनों के बीच में हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट. अब दोनों में से किसी ने, बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, जो भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, डिसीजन लिए होंगे इन लोगों ने, उसमें से बी ने ब्रीच कर दिया. तो अब अगर ए कॉमन लॉ कोर्ट जाता ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन ग्रांट किया जाता, क्योंकि कॉमन लॉ कोर्ट्स की रूल बुक में लिखा था कि भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन को ग्रांट कर दो. लेकिन वही इक्विटी कोर्ट्स सिर्फ कंपनसेशन नहीं, उसके अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवाती थी. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी कैसे हो गया, मान लो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बी की जमीन थी, ए ने ले ली और बोला मुझे आपकी जमीन दे दीजिए आप किराए पे, क्योंकि मैं यहां पे फैक्ट्री डालूंगा. बी एग्री हो गया, सारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए ने बहुत भारी भारी मशीन्स वगैरह सब ऑर्डर कर दी जो किसी फैक्ट्री में यूज होती है. अब बी ने मना कर दिया जब सारी मशीन्स आ गई कि नहीं भैया मैं आपको जमीन नहीं दे सकता अपनी लीज पे या रेंट पे,
क्योंकि अब मैं यहां पर अपना कुछ और काम करने वाला हूं। अब ए क्या हो गया, ना ए के पास जमीन और उसके पास पड़ी है इतनी सारी मशीनरीज, तो इस केस में वो क्या करेगा, मशीन तो रिटर्न हो नहीं सकती, उसको क्या चाहिए, मेरे को कंपनसेशन नहीं चाहिए। ए का कहना है मुझे कंपनसेशन से मतलब नहीं है, मैंने जो उसको डिपॉजिट दिया था वो मुझे वापस कर रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाओ, मेरे को यही जमीन चाहिए क्योंकि मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था और मैंने फैक्ट्री के लिए सारा सामान मंगा लिया। सो व्हेन यू आर प्लीडिंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग कि यही होना चाहिए, स्पेसिफिकली मुझे यही चाहिए, मुझे किसी तरीके का कंपनसेशन नहीं चाहिए, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसके ऊपर एक पूरी एक्ट है जो आप आगे कभी पढ़ेंगे। तो यहां क्या होता था, ऐसे केसेस जो रिलेटेड थे विद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे इक्विटी कोर्ट सिर्फ कंपनसेशन नहीं, साथ साथ में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अगर पार्टी के द्वारा डिमांड किया गया है तो केस को समझ के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी ग्रांट कर सकता था। ठीक है, दूसरा है कैन मूव वेयर लीगल राइट इज इंफ्रिंज्ड। अगर किसी पर्सन की कोई लीगल राइट जो है वो इंफ्रिंज हो चुकी है, ठीक है, तो वो कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू इक्विटी कोर्ट्स में जा सकता था। कॉमन लॉ कोर्ट्स में इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजनल या प्रोसीजर नहीं था। इसको मैं केस लॉ से आपको समझाता हूं। केस लॉ था कॉल वर्सेस होम एंड कॉलोनियल स्टोर्स का। केस लॉ था कॉल वर्सेस कॉलोनियल होम्स लिमिटेड। इसमें क्या था, एक पर्टिकुलर लैंड का एरिया था जहां पे ये जो हमारा कॉल है इसकी जमीन थी और इसने एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसी लैंड पे सामने की तरफ कोल एंड होम्स लोगों ने भी एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा दिया। अब ऐसा हो गया, मान लीजिए ये था कोल का बिल्डिंग और ये था कॉलोनियल एंड होम्स का बिल्डिंग, तो जो हमारा कोल है वो चला गया कोर्ट में ये कह के कि आप कॉलोनियल एंड होम्स की जो बिल्डिंग है उस पर इंजंक्शन लगवाओ, इसका कंस्ट्रक्शन रुकवाओ, जितना हो चुका है उसे तोड़वाइए, क्योंकि ये मेरी लीगल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। इसकी बिल्डिंग बनने के कारण जो सन की रेज है वो प्रॉपरली मेरी जगह पे नहीं आ पा रही है, मुझे इससे इंटरफेरेंस हो रहा है, लाइट की थोड़ी सी कमी हो गई है मेरी बिल्डिंग में। अगर कॉलोनियल एंड होम्स की बिल्डिंग बनती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, तो मुझे और तकलीफ हो जाएगी। सॉरी, कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि भैया किसी भी एक्शनेबल क्लेम को लेने के लिए या किसी भी एक्शनेबल इंटरफेरेंस को डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपकी लीगल राइट इंफ्रिंज होनी चाहिए। आसान शब्दों में, तुमको इंजंक्शन चाहिए, एक्शनेबल इंटरफेरेंस, तुमको इंजंक्शन चाहिए, तो उसके लिए तुम ये तो प्रूफ करो कि तुम्हारी लीगल राइट इंफ्रिंज हुई है। इस केस में कॉलोनियल एंड होम्स की बिल्डिंग बनने के बाद आपके यहां पे जो लाइट आ रही है वो जरूर कम हुई है, पर वो ग्रेव नहीं है। ग्रेव यानी उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा नहीं है, इतना नहीं हुआ कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप एकदम डार्क में चले गए हो, आपको बेसिक सनलाइट जो है वो नहीं पर्याप्त मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्डिंग बनने के कारण थोड़ी सी लाइट में कमी जरूर आई है, तो यहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि आपकी कोई भी लीगल राइट जो है वो इंफ्रिंज हुई है, इसीलिए आपका कोई भी एक्शनेबल इंटरफेरेंस नहीं बनता और ना ही हम इनकी बिल्डिंग पे इंजंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो ये था जो आपका दूसरा एग्जाम्पल था कि अगर आपकी लीगल राइट इंफ्रिंज हुई है तो आप कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन में जाके इक्विटी कोर्ट से मदद ले सकते हो। हालांकि इस केस में, कॉल वर्सेस कॉलोनियल होम से केस में, लीगल राइट इंफ्रिंज नहीं हुई थी। अब अगर ये ज्यादा ग्रेव रहता, बिल्डिंग बहुत बड़ी रहती, इतनी रहती कि सनलाइट हार्डली यहां पे 5% के ऊपर नहीं पहुंच रही होती, तो फिर बिल्कुल कोर्ट जो है वो कॉल के फेवर में डिसीजन देता। अब अपन देखते हैं थर्ड, द ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन। तीसरा ज्यूरिसडिक्शन है और आखिरी ज्यूरिसडिक्शन है द ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन। ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि क्या, व्हेन देयर इज अ विटनेस और एविडेंस व्हिच सेव्स प्लेंटिफ्स लीगल राइट। कोई ऐसा केस आ गया, कोई ऐसा इश्यू आ गया या कंप्लेंट आ गई जहां पे अगर प्लेंटिफ को बचाना है या प्लेंटिफ की बेगुनाही को प्रूफ करना है तो आपको किसी ना किसी एविडेंस या विटनेस की जरूरत पड़ेगी जो कि एग्जिस्ट करता है।
उस केस में कॉमन लॉ कोर्ट से हमारे जो सीएलसी उनके पास ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं था जिसके थ्रू वो ये एविडेंसेस को कॉल कर सके या विटनेस को कॉल कर सके, इन शॉर्ट उनको समन भेज के बुला सके। यहां पे इक्विटी कोर्ट की ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन काम आती थी। इक्विटी की जो ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन थी उसके पास पावर था कि वो समन देके सामने वाले को बुला सकता था एज इन विटनेस एज इन फॉर एविडेंस। एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रॉपर्टी रिलेटेड केस ले लेते हैं कोई अपन। एक प्रॉपर्टी है जिसके डॉक्यूमेंट्स है, इन डॉक्यूमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये चार भाग में बटी है चार भाइयों के बीच में, 1 2 3 4 चार भाई थे, चौथा वाला जो है वो अभी कोर्ट में खड़ा हुआ है और उसका कहना है कि मैं ये चीज प्रूव कर सकता हूं लेकिन इसके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे पहले वाला जो बड़ा भाई है उसके पास है। तो ऐसे केस में इक्विटी कोर्ट्स के पास एक पावर है, पावर अंडर विच ज्यूरिसडिक्शन अगर पूछा जाए तो पावर अंडर ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन, उनके पास ये ताकत है कि वो नंबर वन वाला जो भाई है उसको समन भेजेंगे और बोलेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट्स है ना इसको आप लेकर आओ, हमको देखने हैं डॉक्यूमेंट्स और इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि किसका कितना शेयर है उस प्रॉपर्टी में। तो ऐसे केसेस में ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन काम आता था। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कैच ये है कि ऑक्सिलरी ज्यूरिसडिक्शन में इक्विटी कोर्ट्स सिर्फ एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकता था। हम इसी केस का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे इक्विटी कोर्ट ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी कि भैया प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में क्लियर लिखा हुआ है कि चारों भाई का इक्वल शेयर है 25% उस पूरी प्रॉपर्टी पे, ना किसी का ज्यादा ना किसी का कम। लेकिन ये रिपोर्ट प्रिपेयर करके इक्विटी कोर्ट्स को भेजना पड़ता था कॉमन लॉ कोर्ट्स पे और फिर कॉमन लॉ कोर्ट्स डिसीजन सुनाता था कि भैया ये चारों में बराबर बटना चाहिए क्योंकि हमको एज पर रिपोर्ट ये सारी चीजें जो है वो मिली। तो ये थे हमारे तीनों ज्यूरिसडिक्शन, सबसे पहला था एक्सक्लूसिव, दूसरा था कॉन्करेंट और तीसरा था ऑक्सिलरी। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। आगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द लीगल वॉइस। थैंक यू।